दोस्तों आप सब इतना जानते होंगे कि मोर बारिश के मौसम में पंख फैलाकर नाचता है और ये भारत का राष्ट्र पक्षी भी है। दो या चार फैक्ट्स आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर की पूंछ में कितने पंख होते हैं, और क्या आप जानते हैं कि मोर क्या खाता है, और क्या आप जानते हैं कि मोर की उम्र कितनी होती है, और क्या मोर संभोग करता है या मोरनी मोर के आंसू चूक के गर्भवती हो जाती है। इन सभी का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पुराने मिथ में माना जाता था कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है, हालांकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक नर मोर अपने पंखों को फैलाकर एक मादा मोर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जैसे ही एक मादा मोर आकर्षित हो जाती है तो नर मोर उसकी पीठ पर चढ़कर मिलन करता है। मोर अपने पंख अधिकतर बारिश के मौसम में फैलाते हैं और इस मौसम में मोर नाचते भी हैं। ऐसा एक नर मोर एक मादा मोर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस नर मोर के पास ज़्यादा खूबसूरत पंख होते हैं, मादा मोर उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। वैज्ञानिकों को एक शोध से पता चला कि नर मोर बारिश के मौसम में इसलिए नहीं नाचते कि उन्हें बारिश पसंद है, बल्कि इसलिए नाचते हैं क्योंकि जब वो पंख फैलाकर नाचते हैं उस वक्त वो ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं सकते और इसलिए वो आसानी से हमले का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बारिश के समय सभी जानवर अपनी जगह में छुपे रहते हैं और इसीलिए मोरों के लिए सबसे उचित समय बारिश ही होती है। केवल पुरुष मोर को ही पिकॉक कहा जाता है, मादा मोर को पीहेंस और बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है, और इन सभी के सामूहिक शब्द के लिए पीफॉल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मोर 11 अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल सकता है। मोर का रंग नीला, हरा, सफ़ेद, जामुनी और ग्रे हो सकता है। मोर की सुंदर और रंगीन पंखों की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है, जो उनके शरीर की लंबाई का लगभग 60% होता है। जब मोर का जन्म होता है तो वो बिना खूबसूरत पंखों के जन्म लेता है। उनमें जन्म के 3 साल बाद ये खूबसूरत पंख आने शुरू हो जाते हैं। ये पंख केवल पुरुष मोर को ही आते हैं, जबकि मादा मोर बिना पंखों के ही होती है। एक मोर की पूंछ में लगभग 150 पंख होते हैं और मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकता है और वो इतनी ही रफ्तार से उड़ भी सकता है। ये धरती पर सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें कि मोर का जीवन काल कितना होता है, तो आपको बता दें कि जंगल में रहने वाले मोर की औसतन आयु 20 साल होती है। मोर पानी में तैर नहीं सकते और अगर इन्हें पानी में डाल देंगे तो ये तुरंत डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास छल्लीदार पैर नहीं होते, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर नहीं तैर सकते। मोर पक्षी सर्वहारी होते हैं, यानी कि ये पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को ही खा लेते हैं। ये घास, पत्ती, चने, गेहूं, कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकली, दीमक और सांप को भी खा जाते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का अच्छा मित्र भी माना जाता है। मोर के पंखों को पाने के लिए कुछ लोग मोर का शिकार करते हैं, पर उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल अगस्त के महीने में मोर अपने पुराने पंखों को छोड़ देता है। आप जंगलों में भी जाकर इन्हें आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक आपने जाना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका कलर नीला होता है, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है, लेकिन ये नीला मोर नहीं बल्कि ग्रे मोर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो और आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर दबाकर शेयर करिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बटन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।